सारे कैमरे बता रहे हैं कि मोदी और शाह इस देश को बर्बाद कर रहे हैं। अगर बलवान में इतनी सी कमजोरी होगी तो तेंदुआ पकड़ के या तो जेल में डाल देंगे या भारतीय जनता पार्टी में शामिल कर लेंगे। भारतीय जनता पार्टी बैठे हुए आदमी से तुम ये उम्मीद करो कि बड़ी कॉरपोरेट कंपनी से लड़ लेगा, बीमा कंपनी से लड़ लेगा। अरे बीमा कंपनियों का फायदा कितना हुआ है? बीमा कंपनी कहाँ जाने लगती है आपको? जिस दिन आपसे प्रीमियम लेती है उस दिन ये नहीं पूछती कि आपने कितने जमीन काज करे हुए, उस दिन आपकी कैसी चीजें प्रीमियम उठाते हैं, प्रीमियम काट लेते हैं। प्रीमियम का एक हिस्सा आप देते हो जिसको 2% बोलते हैं, 98% हिस्सा केंद्र और राज्य की सरकार देती है। बीमा कंपनी उस दिन आपसे नहीं पूछती कि आपका रकबा ज्यादा है, बीमा कंपनी उस दिन आपको पकड़ती है जिस दिन आपके रकबे में बीमा मर गया, नहीं तो बीमा कंपनी बीमा उठाया और केंद्र और राज्य सरकार से हिस्सा लिया, पार बोली। जिस दिन बीमा नहीं देने उस दिन उसका आपका रकबा नहीं देखता। और ये तो चूरू में चर्चा है बीमा की, ये तो भादरा नोर में पल्लू में चर्चा है बीमा की, ये तो राजगढ़ सरदार सर में चर्चा है, क्योंकि थोड़ी सी जाकर के भादरा में चर्चा होती है। राजस्थान के इतने जिले कहीं बीमा की चर्चा नहीं, पूरे प्रदेश से किसानों को लूटा जाता है, प्रीमियम काटा जाता है। अरे किसान के तो 2 पैसे कटते हैं, 100 में से 2 पैसे प्रीमियम का किसान का, 98 पैसे राज्य और केंद्र सरकार के, आपके और हमारे हजारों करोड़ रुपए एक कलम के साथ बीमा कंपनी के खाते में चले जाते हैं। पूरे देश में बीमा कंपनी मालो माल हो गई, और जिस दिन बीमा देने की बारी आ जाती है तो फौजी वाली बात कर देते हैं। क्या करता बता, एक फौजी भैंस भी है, अब फौजी बड़ो लगनशील आदमी है, भैंस की सेवा करे, भैंस को सेवा करे जोरदार, चट्टो बंटो दे, खुर्रो करे, पानी पियावे, शाम ने पार्टी लेकर दूध काटने बच खोले लात मार दी, लात मार दी फौजी ले लठ लठ लिया के चरकायो खोले हरे मुर्गो को शाणो आदमी सारे का डब्बा। बोले फौजी के बात हुई, बोले बात क्या थी, सारी खा पी के तैयार, हमारी बारी यही तो लादा ले लिया, प्रीमियम ले लिया, पैसे ले लिए, ग्रोप बिल्डिंग में हमारी बीमा बढ़ गया, हम हमारे